दोस्तों किसी को फोन करने के बाद आपके साथ भी क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है। दोस्तों इसे ठीक कैसे करना है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और उसे आपको भी करना है मोबाइल में, इसे ये पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। अच्छा हमको सिखा रहा है। पहली बार किसी के साथ होता है तो वो बहुत घबरा जाता है कि क्या करना होगा, क्या मोबाइल को रिस्टार्ट करना पड़ेगा फिर से, मोबाइल में इतना सारा डेटा है कहाँ रखेंगे क्या करेंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी करना नहीं होगा आपको, जो अभी यहाँ पे दिखाए वीडियो में वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, आपका ये प्रॉब्लम 100% फिक्स्ड हो जाएगा। Okay. दोस्तों आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है क्यों होता है। मैं नहीं बताऊंगा। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली दो ही चीजों से होता है, एक तो दोस्तों मोबाइल के सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ हो जाता है इससे होता है, और एक प्रॉब्लम होता है कभी कभी दोस्तों हम लोग प्ले स्टोर से ऐसा कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और उसे अप्लाई भी कर लेते हैं, जब आपके मोबाइल में कोई फोन आता है तब स्क्रीन में कुछ अलग से लाइटिंग होता है, इसी तरह का कुछ एप्लीकेशन दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसे फिक्स कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज बाय एके पे। दोस्तों ये प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जो सेटिंग्स है सेटिंग्स पे आ जाना है। सेटिंग्स पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना है। दोस्तों थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे देखना एक ऐप्स का सेटिंग्स आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में देखिए मैनेज ऐप्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, उसके बाद आपके मोबाइल में जितना सारा एप्लीकेशन है यहाँ पे आ जाएगा, मोबाइल का भी एप्लीकेशन और जिसको आप इंस्टॉल किए प्ले स्टोर से वो भी आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सर्च बार है, यहाँ पे आपको टाइप करना है फोन। दोस्तों फोन लिखने से यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन पहला वाला है ये तो मोबाइल का ही है, और एक एप्लीकेशन होगा जिसे आप इंस्टॉल किए, और दोस्तों आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किए तो यहाँ पे फोन सर्विस जो दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन पे, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों नीचे की तरफ आपको देखना है, यहाँ पे देखिए क्लियर डेटा लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से दो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे देखिए लिखा हुआ है क्लियर ऑल डेटा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों मोबाइल को 5-7 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर देना, और 5-7 मिनट बाद स्विच ऑन करके फिर से किसी को कॉल करके देखना दोस्तों ये जो प्रॉब्लम था ये फिक्स हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन रहेगा आपके लिए हर वीडियो की तरह, उसका आंसर आपको कॉमेंट पे देना है। जय हिंद जय भारत।